हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी महिला जो चलाती है पहाड़ी सड़कों पर ट्रक। यह लड़की जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो यह मात्र अभी 23 साल की है और बढ़े बढ़े पहाड़ी सड़कों पर ट्रक चलाती है। इसका नाम नेहा ठाकुर है और यह हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। नेहा ने बताया कि उसे बचपन से ही गाड़ी चलाने का शौक था। पिता के पास दो ट्रक हैं तो अक्सर ट्रकों में सफर करने का मौका मिलता था। ऐसे में ट्रक का स्टेयरिंग थामने की इच्छा हुई और इसे चलाने की ठानी। नेहा वर्ष 2022 से ट्रक चला रही है और एक तरह से अपने पिता के इस कारोबार को भी संभाल रखा है। नेहा ने बताया कि अभी किसी महिला ट्रक ड्राइवर के लिए उस प्रकार का माहौल नहीं कि वे लॉन्ग रूट पर जा सके, इसलिए वे अभी लोकल रूट पर ही ट्रक को ले जाती हैं। लोकल रूट पर जो भी सामान लाना या ले जाना हो उस वक्त ट्रक का स्टेयरिंग नेहा ही संभालती है। नेहा ने बताया कि महिलाओं को वॉशरूम सहित अन्य कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे किसी न किसी तरह से इन चीजों को मैनेज कर लेती है। पहाड़ की इस बेटी के लिए एक लाइक तो बनता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की रहने वाली 23 साल की नेहा शान से ट्रक चलाती है, जो कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। नेहा इन दिनों सड़कों पर न केवल ट्रक दौड़ा रही है बल्कि पिता के कारोबार में भी हाथ बंटा रही है। नेहा सरकाघाट उपमंडल के तहत आने वाले खुडला गांव की निवासी है। नेहा ने ट्रक जैसी बड़ी गाड़ी सीखकर न केवल अपने बचपन के सपने को पूरा किया बल्कि क्षेत्र की अन्य युवतियों और महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। जानकारी के अनुसार नेहा ने ग्रेजुएशन करने के बाद एयर होस्टेस की ट्रेनिंग की और उसके बाद चंडीगढ़ में प्राइवेट जॉब करने लगी। 2021 में कोरोना के कारण नौकरी छिन गई तो वापस घर आकर पिता के ट्रक का स्टीयरिंग संभालने की ठानी। नेहा ने बताया कि उसे बचपन से ही गाड़ी चलाने का शौक था। पिता के पास दो ट्रक हैं तो अक्सर ट्रकों में सफर करने का मौका मिलता था। ऐसे में ट्रक का स्टीयरिंग थामने की इच्छा हुई और इसे चलाने की ठानी। बता दे कि नेहा साल 2022 से ट्रक चला रही है और एक तरह से अपने पिता के इस कारोबार को भी संभाल रखा है। देवभूमि की इस बेटी के लिए एक लाइक तो बनता है।